Welcome to Matri channel. Today's video topic is part 3, transpose of matrix. Linear algebra की ये तीसरा video. इसमें हम matrix की transpose के बारे में बात करेंगे और उससे related symmetric matrix और skew symmetric matrix क्या होता है उससे भी discussion करेंगे. So friends देखिए transpose of matrix क्या होता है. अगर आपके पास कोई भी matrix given होगा और उसको हम अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं. फ्रेंड्स देखिए मैंने एक मैट्रिक्स चूज किया 2, 3, -4. ये यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 फोर कॉलम है, फोर रो है और 1, 2, 3 कॉलम. तो ये 4x3 मैट्रिक्स होगा. अगर मैं इसको कॉलम की जगह रो और रो की जगह कॉलम इंटरचेंज करूं तो ये 3x4 की मैट्रिक्स हो जाएगा. फ्रेंड्स देखिए अगर मैं इसके इंटरचेंज करूं, इंटरचेंज के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है. फ्रेंड्स देखिए 2, 3, -4 तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रो को मैं कॉलम में लिखूंगा तो ये आएगा 2, 3, -4. यहाँ पे देखिए -1, 5, -2 तो ये आ जाएगा -1, 5, -2. फ्रेंड्स देखिए 6, -9, 7 तो ये जाएगा 6, -9, 7 और 0, -4, 2 ये आ जाएगा 0, -4, 2. सो फ्रेंड्स देखिए इसमें रो नंबर 3, यहाँ पे 3 रो है और 4 कॉलम है. फ्रेंड्स देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है. अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा और उसको अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो 4x3 मैट्रिक्स रहता है तो ये उल्टा होकर 3x4 मैट्रिक्स बन जाता है. इसको ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है. मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स से आपको एक एग्जांपल देता हूं. लेट ए इक्वल टू, मैंने एक मैट्रिक्स चूज किया 1, 2, 3, 6, 8, 9, 4, 2, 0. अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स गिवन है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, यानी कि ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए डैश या ए ट्रांसपोज से, ए डैश और ए ट्रांसपोज से इसको डिनोट करते हैं तो इसका ए ट्रांसपोज आ जाएगा. सो फ्रेंड्स मैंने कहा था रो और कॉलम को इंटरचेंज करना होगा, यानी कि इस रो इस कॉलम में आएगा तो ये आ जाएगा 1, 2, 3. फ्रेंड्स 6, 8, 9 तो ये आ जाएगा 6, 8, 9. ये आ जाएगा 4, 2, 0 तो ये भी 3x3 मैट्रिक्स हो रहा है. सो फ्रेंड्स इसे ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है. इससे रिलेटेड मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है दिखाता हूँ. फ्रेंड्स आप जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है. पहले जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन. ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज. हमेशा आपको याद रखना होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले तो वही मैट्रिक्स वापस दोबारा आपको मिल जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. मैंने एक एग्जाम्पल चूज किया लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 6. सो फ्रेंड्स पहले ये सिमेट्रिक होगा या नहीं पहले आपको चेक करना होगा. अगर चलिए पहले इसका ए ट्रांसपोज ढूंढते हैं. अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू, सो फ्रेंड्स देखिए ए ट्रांसपोज यानी कि रो कॉलम में आएगा और कॉलम रो में जाएगा तो ये आ जाएगा 1, 2, 3. यहाँ पे देखिए 2, 4, 5 तो ये आ जाएगा 2, 4, 5. देखिए रो कॉलम में जा रहा है और ये आ जाएगा 3, 5, 6. ये भी 3x3 मैट्रिक्स. सो फ्रेंड्स देखिए ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को देखिए. सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. इसका डेफिनेशन में भी बोला है ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. सो फ्रेंड्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है. अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप ले वही मैट्रिक्स अगर मिलता है आपको तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज आपसे ध्यान से देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डायगोनल एलिमेंट में देखिए. यहाँ पे जो एलिमेंट होगा अगर यहाँ पे भी उसका रिपीट कर रहा है तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है. देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा तो इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है. अब मैं डिस्कशन करूंगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है. ए स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -A. फ्रेंड्स
फ्रेंड्स मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ढूंढने के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल हमेशा जीरो होगा और डायगोनल के अभाव जो एलिमेंट होगा उसके ऑपोजिट साइन, उस एलिमेंट के ऑपोजिट साइन जो होगा, ऑपोजिट साइन वाला एलिमेंट उसके डायगोनल के बिलो में भी होगा। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने एक मैट्रिक्स चूज किया 0 2 3 -2 0 4 -3 -4 0। यहाँ पे कंडीशन है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स देखते हैं पहले इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं। सो फ्रेंड इसका ए ट्रांसपोज आएगा, इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा, रो को कॉलम में ले आइए तो ये आएगा 0 2 3, यहाँ पे आएगा -2 0 4 और यहाँ पे आएगा -3 -4 0। सो फ्रेंड्स देखिए सामने माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस कॉमन लेंगे और ए मैट्रिक्स होगा। सो फ्रेंड्स देखिए अगर माइनस आप कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -2, ये आएगा 0, ये आएगा 4, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा -4 0। सो फ्रेंड्स देखते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए और इस मैट्रिक्स को देखिए ए के बराबर है, यानी कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको ढूंढने के लिए आपको मैं ट्रिक दिखाता हूं, हमेशा डायगोनल की एलिमेंट जीरो होगा। फ्रेंड्स देखिए डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा और डायगोनल के अभाव में जो एलिमेंट होगा उसका ऑपोजिट साइन डायगोनल के नीचे होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 2 रहता है तो यहाँ पे -2 होगा, अगर यहाँ पे 4 रहता है तो यहाँ पे -4 होगा। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 3 है डायगोनल के अभाव 3 है, यहाँ पे -3 होगा, इस एलिमेंट में सिर्फ माइनस लगा के यहाँ पे होगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे -4 होगा। सो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं मैट्रिक्स एडिशन कैसे होता है। अगर ए प्लस बी करते हैं तो बी प्लस ए आता है, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स ए प्लस बी की सम डिफाइंड है तो ए प्लस बी की वैल्यू बी प्लस ए होगा, यानी कि मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव प्लस के रेस्पेक्ट में। फ्रेंड्स देखिए मैंने दो मैट्रिक्स चूज किया, ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 5 6 7 8। जब आपको ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, ए प्लस बी मैट्रिक्स की सम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 प्लस यहाँ पे आएगा 5 6 7 8। सो फ्रेंड्स जब आप इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 6 6 प्लस 2 8, यहाँ पे देखिए 3 प्लस 7 10 और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 8 12। सो फ्रेंड्स अब बी प्लस ए की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे बी प्लस ए की वैल्यू आएगा, बी मैट्रिक्स क्या था 5 6 7 8 प्लस ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। सो फ्रेंड्स देखिए 5 प्लस 1 यहाँ पे आएगा 6 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10, 8 प्लस 4 12। सो फ्रेंड्स देखिए मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स है अगर उसका सम करते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आएगा, ये इसका प्रूफ है और एग्जांपल भी है। सो फ्रेंड्स जानते हैं आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है या नहीं। मैं आपको बताने वाला हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है ए बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी ए होगा। मैं एक एग्जांपल देके आपको दिखाता हूं। फ्रेंड्स आप जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बोला है एक्स वाई नॉट इक्वल टू एक्स वाई, अगर एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स। फ्रेंड्स देखिए अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स गिवेन है तो उसका मल्टीप्लिकेशन आप डिफाइंड हो रहा है तो एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स होगा। मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने एक एग्जाम्पल चूज किया एक्स इक्वल टू 4 2 -1 3, वाई इक्वल टू 3 -1 5 2। जब आप एक्स वाई करेंगे तो एक्स वाई आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा 3 -1 5 2, ये वाई मैट्रिक्स है और ये एक्स मैट्रिक्स 4 2 -1 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मेरे चैनल में पहला वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स क्या आएगा यहाँ पे देखिए 4 × 3 12 + 10 तो ये आएगा 22, यहाँ पे आएगा 4 - 4 + 4 ये आएगा 0, यहाँ पे -1 3 - 3 और ये आएगा 3 + 3 × 5 15 तो ये आ जाएगा 12 और ये आएगा -1 - 1 + 1 + 6 ये आएगा 7। फ्रेंड्स देखिए एक्स वाई की वैल्यू है
एक्स वाई मैट्रिक्स की वैल्यू है बाई 22 0 12 7। अब वाई एक्स निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, वाई एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन निकालने के लिए पहले आपको वाई की वैल्यू लिखना होगा, 3 -1 5 2। और एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 4 2 -1 3। सो फ्रेंड्स, इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, सो फ्रेंड्स देखिए ये इसके बराबर नहीं आएगा, 3 × 4 12 + 1 तो ये आएगा 13, 3 × 2 6 - 3 तो ये आएगा 3, यहां पे आएगा 5 × 4 20 - 2 ये आएगा 18, यहां पे आएगा 5 × 2 12 + 6 ये आएगा 16। सो फ्रेंड्स, दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर ट्रांसपोजिशन मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टीज है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका ट्रांसपोज लेके और एक बार ट्रांसपोज करते हैं तो मैट्रिक्स ए फिर से दोबारा आ जाता है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए मैट्रिक्स एक 2×2 मैट्रिक्स लिया है। फ्रेंड्स देखिए, 1 2 0 3 मैंने ए मैट्रिक्स चूज किया। सो फ्रेंड्स, इसका ट्रांसपोज आएगा, ट्रांसपोज यानी कि रो कॉलम इंटरचेंज करेगा, तो ये आ जाएगा 1 2, ये आ जाएगा 0 3। फ्रेंड्स देखिए, मैं अगर ए ट्रांसपोज में एक और ट्रांसपोज लेता हूं तो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ए घूम के फिर आता है। सो फ्रेंड्स देखिए, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज यानी कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ए के बराबर है। सो दिस कंडीशन सेटिस्फाइड। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज की अब आप फिर से होल ट्रांसपोज ले तो वही मैट्रिक्स आपको मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखिए, अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन है ए प्लस बी, अगर उसके ए प्लस बी को जोड़ के ट्रांसपोज लेते हैं, वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होते हैं। सो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। मैंने लिया है ए मैट्रिक्स लिया है, लेट ए इक्वल टू वन टू जीरो थ्री और बी मैट्रिक्स लिया है 4 9 1 5। सो फ्रेंड्स देखिए, पहले ए प्लस बी को सम करके उसका ट्रांसपोज लेना होगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू। सो फ्रेंड्स देखिए, एडिशन कैसे करते हैं मैं आपको सीधा दिखाता हूं, तो ये आ जाएगा 1 + 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 2 + 9 11, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 3 + 5 8। सो फ्रेंड्स, ए प्लस बी इक्वल टू है तो इक्वल टू 5 11 1 8। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे यानी कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 5 11 1 8। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो रो और कॉलम इंटरचेंज होगा, यानी कि 5 11 हो जाएगा और 1 8 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज ये वैल्यू देता है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों को ऐड करता हूं तो इसके बराबर आता है। सो फ्रेंड्स, पहले ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ए ट्रांसपोज आएगा, ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज यानी आएगा 1 2, यहां पे आएगा 0 3। बी देखिए स्टूडेंट, तो बी ट्रांसपोज आएगा, बी की वैल्यू क्या है 4 9, तो ये आ जाएगा 4 9, यहां पे आ जाएगा 1 5। तो जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज तो ये आ जाएगा 5, यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 11, यहां पे आएगा 8। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं, 5 1 11 8 5 1 11 8, तो ये कंडीशन प्रूफ और सेटिस्फाई हो गया। सिमिलरली ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हमेशा होगा। सो फ्रेंड्स, तीसरा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। अगर ए बी का मल्टीप्लीकेशन लेके होल ट्रांसपोज करते हैं तो पहले बी ट्रांसपोज और उसके बाद ए ट्रांसपोज आता है। सो फ्रेंड्स देखिए, उसे हम कैसे करते हैं। सो ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स की थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में डिफाइंड है तो ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना होगा,
ए बी होल ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो पहले बी ट्रांसपोज और उसके बाद ए ट्रांसपोज आएगा, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट आएगा और फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड में जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे के आपको इसको इसका प्रूफ दिखाता हूं। मैंने मैट्रिक्स चूज किया, लेट ए इक्वल टू 1 2 0 3 और बी मैट्रिक्स एक लेते हैं 4 9 1 5। सो फ्रेंड्स, पहले आपको ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेना होगा, तो मैं ए बी मल्टीप्लीकेशन सीधा करता हूं। सो फ्रेंड्स देखिए, 1 1 4 4 प्लस 2 यहां पे आ जाएगा 6, 1 9 प्लस 10 यहां पे आएगा 19, यहां पे आएगा 0 प्लस 3 यहां पे आएगा 3 और यहां पे आएगा 0 प्लस 15। सो फ्रेंड्स, आप जब आप इसको ट्रांसपोज लेंगे तो ए बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू आएगा, इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो इसका भी ट्रांसपोज आएगा, तो ये आ जाएगा 6, यहां पे आएगा 19, यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा 15। सो फ्रेंड्स, इस वैल्यू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। सो फ्रेंड्स, पहले बी ट्रांसपोज लिखते हैं, तो बी ट्रांसपोज आएगा, यहां पे आएगा 4, यहां पे आएगा 9, यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 5। फिर ए ट्रांसपोज लिखते हैं, फ्रेंड्स ए ट्रांसपोज देखिए, यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा 0, यहां पे आएगा 3। सो फ्रेंड्स, जब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होगा तो इसके बराबर वैल्यू देगा। सो देखिए, ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज, ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज। सो फ्रेंड, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, 4 into 1 4 plus 2 यहां पे आएगा 6, यहां पे आएगा 4 into 0 1 into 3 ये आएगा 3, 9 into 1 plus 5 into 10 ये आएगा 19, 5 into 0 9 into 0 5 into 3 ये आएगा 15। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं, 6 3 19 15 6 3 19 15, तो ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। सो ये प्रूफ हो गया। सो फ्रेंड्स, आखिरी प्रॉपर्टी ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स की होते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे होगा, मैं आपको एक एग्जांपल और उसका डेफिनेशन बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स की आखिरी यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवेन होगा तो उससे आप एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सामने लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ वन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपके पास अगर कोई भी लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, देन ए कैन बी रिटेन एज ए इक्वल टू 1/2 a + a ट्रांसपोज + 1/2 a - a ट्रांसपोज, वेयर एक्स इक्वल टू 1/2 a + a ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वाई इक्वल टू यानी कि 1/2 a - a ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं टॉपिक लूंगा जिसका नाम है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस।